24 के YouTube और Facebook पेज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। लॉकडाउन के इस दौर में अगर आप भी घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं, टीवी पर एक जैसा कंटेंट देख देख कर बोर हो गए हैं, तो आपके लिए अब एक खुशखबरी है। और ये खुशखबरी बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा है, और वो ये कि जल्द ही आपका फेवरेट सीरियल शक्तिमान फिर से रीटेलीकास्ट किया जाएगा। खबरें हैं कि 1 अप्रैल से, यानी कि कल से, दोपहर 1 बजे से रोज़ाना इसको टेलीकास्ट किया जाएगा। और न सिर्फ शक्तिमान बल्कि 90s के दौर का ही एक और फेमस सीरियल चाणक्य भी जल्द टेलीकास्ट होने की संभावनाएं हैं। खबरें ये आ रही हैं कि अप्रैल के ही पहले वीक में दोपहर बाद से इसको स्टार्ट किया जाएगा चाणक्य को। एक तरफ शक्तिमान, एक तरफ चाणक्य, उससे पहले रामायण और महाभारत शुरू की ही जा चुकी हैं। इन सब के अलावा ये लिस्ट अभी काफ़ी लंबी होती जा रही है। दिन पर दिन पब्लिक डिमांड पर पुराने दौर के सीरियल्स को रिपीट किया जा रहा है। ये वो सीरियल्स हैं जिनको उस दौर में इतना प्यार मिला था, इनका कोई सानी नहीं था। एक बार ये टीवी पर अगर आते थे तो लोग अपने अपने टीवी के सामने बैठ जाया करते थे, रिमोट किसी को नहीं दिया करते थे। ये फैमिली शोज थे, ना सिर्फ बच्चे देख के खुश होते थे, ना सिर्फ बुजुर्ग देख के, बल्कि हर तबका इनको देखता था। एक हेल्दी एंटरटेनमेंट लोगों का होता था, एक हेल्दी टाइम पास लोगों का होता था। और जब आधे घंटे के, एक घंटे के शो को देख के लोग निकलते थे तो खुश ही होते थे। तो जाहिर है रामायण, महाभारत, शक्तिमान, चाणक्य के अलावा और भी जो शोज रीटेलीकास्ट किए जा सकते हैं, उस लिस्ट में सर्कस का नाम आ रहा है। 90s के दौर का ही फेमस सीरियल रहा है। ब्योमकेश बख्शी का नाम सामने आ रहा है। उपनिषद गंगा, श्रीमान श्रीमती, सिया के नाम, इन सब का जो रीटेलीकास्ट होना लगभग लगभग कंफर्म माना जा रहा है। ये 90s के दौर के काफ़ी फेमस सीरियल्स थे। तो ऐसे में अगर आपको फिर से उसी दौर को जीने का मौका मिले, उस जनरेशन के लोग तो इसको देख चुके हैं, उस जनरेशन के बाद जो अपकमिंग जनरेशन है उनको भी ये देखने का मौका मिल रहा है, सबसे खास बात ये है। इसके अलावा अगर बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान को लेकर ये भी खबरें थी कि मुकेश खन्ना, जो कि शक्तिमान का किरदार निभाते आए हैं अब तक, वो शक्तिमान के सीक्वल पर काम करना चाह रहे हैं। पिछले 3 साल से इस पर काम हो रहा है, बहुत जल्द इसको लेकर खबरें थी कि ये टेलीकास्ट होगा, लेकिन वो तो फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन अगर इस मौजूदा दौर में सीक्वल आने से पहले इनिशियल पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को रीटेलीकास्ट कर दिया जाता है, तो जाहिर है ऑडियंस के बीच एक क्रेज डेवलप हो जाएगा। एक जो मेमोरीज थी शक्तिमान को लेकर, हर तबके में वो फिर से इनकैश हो जाएगी, जिसका सीधा सीधा फायदा शक्तिमान के सीक्वल को भी हो सकता है। बहरहाल शक्तिमान का सीक्वल कब तक आएगा ये नहीं पता, फिलहाल आप ओरिजिनल पार्ट को कल से इंजॉय करना स्टार्ट कीजिए। और जितने भी सीरियल्स हैं वो जल्द ही शुरू होने की उम्मीदें हैं, तो कह सकते हैं कि लॉकडाउन में, ऐसे वक्त में जब आपको घर पर कैद होना सिर्फ एक मजबूरी नहीं है बल्कि सुरक्षा का एकमात्र जरिया भी है, ऐसे में जाहिर है कि अपना जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। और शायद यही वजह है कि पब्लिक डिमांड पर बैक टू बैक इन सीरियल्स को रीटेलीकास्ट किए जाने की अनाउंसमेंट हो रही है। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए भी आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।